इस रैपिड डिविजन को देखने के बाद आपको डाटा मैनेजमेंट के और किसी वन शॉट या फिर रैपिड को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है सो एवरी वन वेलकम बैक टू अवर चैनल सर थैंक यू सो मच फॉर योर दिस मच टिमेंडर सपोर्ट एंड वी आर वेरी नियर टू वन थाउजेंड सब्सक्राइबर सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू हैव सब्सक्राइब तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्व कंप्यूटर साइंस केपेड डिवीजन सीरीज का डाटा बेस कॉन्सप्स तो डाटा बेस क्या होता है हमें पता है सिंपल टेबल्स जो हम बनाते हैं जो डाटा को हम ऑर्गेनाइज़ वे में रखते हैं दट इज़ कॉल्ड डाटा बेस ठीक है, है? इससे क्या होता है हम डाटा को ईजिल एक्सेस कर पाते हैं डाटा को हम फास्ट क्विकली एक्सेस कर पाते हैं इस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद मतलब से डाटा बेस मतलब डाटा का को एक तरीके से मैनेज करके रखना डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखना ठीक नेक्स्ट चीज हमारी इसमें आती है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वट इज डी बी एम एस सो देखो डी बी एम एस क्या होता है डी बी एम एस हमारा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम तो मतलब कि डाटा को मैनेज करने के लिए बनाया गया सिस्टम या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे कि हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं ठीक है क्लियर है तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि माई एस क्यू जो कि आप इससे नेक्स्ट वाले में पढ़ रहे होंगे माई एस क्यू ठीक है एंड और एक्कल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो ये चीज़ आपको याद रखनी है डाटा बेस कॉन्सेप्ट डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा बेस क्या होता है इसकी फुल फॉर्म इसकी डेफिनेशन एंड इसका एग्जाम्पल तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेंगे नेक्स्ट इसमें हमारा आता है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन तो देखो एडवांटेजेज एंड लिमिटेशन आप पढ़ सकते हैं आपको पता होना चाहिए बस एक बार देख लो एक बार इस विजन में देख लो और उसके बाद बाकी और किसी जगह पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे एडवांटेजेस की कोई डुप्लीकेट डाटा फॉर्म नहीं होता भाई देखो क्या होता है कई बार अगर हम फाइल्स में लगे पड़े रहते तो फिर उनकी वजह से कई बार एक ही चीज का दो बार डाटा हो जाता है कल ठीक है तो फिर वो चीज यहां पर नहीं होती कोई भी डुप्लीकेट डाटा फॉर्म नहीं होता डाटा मल्टीपल लोकेशन में हम स्टोर कर सकते हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती डाटा में इनकनसिस्टेंसी कम हो जाती है ठीक है और यहाँ पे डाटा को मल्टीपल यूजर्स एक साथ यूज कर सकते हैं चूंकि भाई वैसे फाइल वाले सिस्टम में पॉसिबल नहीं था नेक्स्ट आपकी डाटा की सिक्योरिटी अच्छी होती है और ये डाटा बैक डाटा बैकअप और रिकवरी भी अच्छी दे देता है नेक्स्ट आपकी इसकी लिमिटेशंस भी आएंगी सेम टाइम पे देखो भाई एवरी

इस चीज में हमारी इसकी एक भी लिमिटेशन है लास्ट इसमें हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होता है हाई होता है नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं रिलेशन डाटा मॉडल या फिर डाटा बेस टर्म्स तो रिलेशन क्या होता है रिलेशन इज द सिंपली जस्ट द टेबल नेम ठीक है टेबल का दूसरा नाम सब आप समझ सकते हो रिलेशन होता है तो जैसे कि यहां पे आपको सामने दिख रहा होगा नेम कार्डिनलिटी डिग्री तीन प्रॉपर्टी होती है नेम क्या होता है नेम इज द आइडेंटिफायर ऑफ द टेबल कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ रोज देखो नंबर ऑफ रोज आपको पता है कि भाई कितनी ज्यादा एंट्रीज हो रखी है दट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ रोज को हम क्या कहेंगे कार्डिनलिटी कहेंगे ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ, आ सकता है कि एक टेबल दे दिया आपको उसमें आपको पूछ रहा है कि वट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल और या फिर पूछ सकते

रिकॉर्ड या फिर रो जो होती है रोज को हम क्या कर सकते हैं टपल भी कह सकते हैं एंड टपल एक दूसरा टपल भी होता है जो कि लिस्ट टपल वाला होता है ऑर्डर सीक्वेंस वो नहीं है ये ठीक है ये दूसरा टपल है टपल ये कौन सा है रो वाला ठीक है रो का ही दूसरा नाम आप टपल समझ सकते हो और रो टपल रिकॉर्ड तीनों एक ही चीज है ठीक है रिकॉर्ड हम इस तरीके से फिल करते हैं ध्यान रखना है, रो भी हमेशा इस तरीके से फिल होती है ठीक है नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट जैसे कि भाई एक रो के लिए दूसरा नाम दे दिया हमने टपल वैसे ही हमने कॉलम्स के लिए भी एक दूसरा नाम दे दिया एट्रीब्यूट तो एट्रीब्यूट क्या कहते हैं हम कॉलम को कहते हैं एट्रीब्यूट और यहां पे हमारा फील्ड्स भी फील्ड्स के नाम से भी जानते हैं जैसे कि भाई नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी है कि भाई यहां पे सीरियल नंबर डाल दिया यहां पे नेम डाल दिया यहां पे क्लास डाल दी यहां पे सेक्शन डाल दिया दिस ऑल आर द फील्ड्स मतलब जिसमें हम फिल कर सकते हैं डाटा को जिसके अंदर हमारा डाटा फिल होना है दैट इज आवर डोमेन इज़ अवर एट्रीब्यूट आपका डोमेन क्या होता है कलेक्शन ऑफ अ गिवन कॉलम और एट्रीब्यूट किसी भी एट्रीब्यूट के लिए सारी पॉसिबल वैल्यूज मान लो मेरे पास एक टेबल है जिसमें कि यहाँ पे सीरियल नंबर देखा है यहाँ पे नेम देखा यहाँ पे क्लास देखे है तो फिर अगर मैं सबका नेम देखना चाहूंगा तो फिर मैं कौन सा नेम का डोमेन ले लूंगा और जिससे कि मेरे पास सारे के सारे नेम आ जाएंगे तो फिर सारे के सारे कलेक्शन नेम के अंदर जितनी भी एंट्रीज है उसके सारे सारे कलेक्शन क्या हो जाएगा हमारा उसका डोमेन हो जाएगा आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नेक्स्ट आपका डाटाबेस कीज देखो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते रहते हैं ठीक है थीके? तो डाटा बेस कीज में हमारे कीज डिफाइंड कॉलम और एट्रीब्यूट और अम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन एनी टेबल की क्या होता है भाई कि हमारा वो कॉलम या फिर एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से हम कोई भी डाटा की एंट्री हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर हम रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हमारा कैंडिडेट की प्राइमरी की अल्टरनेट की एंड फॉरन की चार टाइप्स की कीज होती है कैंडिडेट की मतलब भाई जिसकी यूनिक वैल्यूज होती है दैट इज कैंडिडेट की बट एक चीज़ याद रखनी है कैंडिडेट की हमारी मोर देन वन हो सकती है ठीक है एक क्या क्या चीज़ होनी चाहिए इसमें हमारी सेट ऑफ ऑल दैट्रब्यूट भी आडेंटीफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली पहली चीज़ यूनिकली होनी चाहिए एंड आउट ऑफ दिस वन इज़ प्राइमरी की ठीक है एक ही चीज कंडीशन है इसकी भैया ये यूनिक होनी चाहिए कैंडिडेट की तो फिर हम उसको कैंडिडेट की बोल सकते हैं दूसरी चीज इसमें कैंडिडेट की में से एक की बनाते हैं जिसको कि हम प्राइमरी की कहते हैं ठीक है प्राइमरी की क्या होता है हमारा वो की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है और जिसमें हम नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको खाली छोड़ दें ये इसकी दो कंडीशन हो गई प्राइमरी की की भी नेक्स्ट आपकी अल्टरनेट की अल्टरनेट की वो कीज़ वो होती है जो कि हमने अगर कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की मतलब जितनी हमने कैंडिडेट की टोटल बनाई थी उनमें से कितनी एक हमने प्राइम जितनी भी हमने प्राइमरी की बनाई है उनको माइनस करके जो एक लास्ट जो हमारा बचता है वो हमारी सारी, सारी की सारी अल्टरनेट की हो जाती है मतलब ऑल द कीज़ आफ्टर सेलेक्टिंग प्राइमरी की फ्रॉम द कैंडिडेट की आर नोन एज अल्टरनेट की नेक्स्ट हमारा फॉरन की वो एट्रीब्यूट जो कि दूसरी टेबल में एज अ फॉरन एज अ प्राइमरी की काम करता है दैट इज़ कॉल्ड फॉरन की ठीक है एट्रीब्यूट दैट एक्ट एज प्राइमरी की इन अनदर टेबल किसी दूसरी टेबल में जो जो एट्रीब्यूट किसी दूसरी टेबल में एज अ प्राइमरी की एक्ट करता है उसे हम फॉरन की कहते हैं तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर और यार अगर वीडियो पसंद आई है और चीज़ें समझ में आ गई तो फिर वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर नहीं आ रहा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले दो दोस्तों से शेयर भी कर देना ठीक है एंड मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले